जिले के 272 यात्री मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा के लिए मंदसौर से रवाना हुए। यात्री माता वैष्णो देवी की यात्रा करेंगे और तीर्थ यात्रियों का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्पेशल ट्रेन में यात्रियों को तीर्थ यात्रा के लिए विदाई भी दी गई। आपको बता दें कि विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि जो तीर्थ यात्री होते हैं उनकी भावना निगाहों में अगर कोई दूसरा श्रवण पुत्र है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। जाने वाले को आ रहा है उससे ज़्यादा मज़ा छोड़ने जो आए उनको आ रहा है। बहुत से स्वयंसेवकों ने यहाँ खुद उनके नाश्ता पानी हर तरह की व्यवस्था की बड़ा उत्साह बढ़ाया है। मुझे लगता है सब इसी तरह से हंसते खेलते जाएं और स्वस्थ वापस आएं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था है, साथ में परिचारक भी जा ही रहे हैं, ट्रेन में भी पूरी व्यवस्था है, तो बहुत ही मुझे लगता है कि खुशनुमा माहौल है। कोविड के बाद नए सिरे से तीर्थयात्रा शुरू हुई है, तो जो हमारे बुजुर्ग भाई बहन हैं निश्चित तौर पर निगाह में और जो तीर्थ यात्री होते हैं उनकी भावनाओं में उनकी निगाहों में अगर कोई दूसरा श्रवण पुत्र है तो वह है शिवराज सिंह चौहान। हिंदुस्तान में दो ऐसे नाम हैं जो जिसको किसी भी अन्य मुख्यमंत्री ने प्राप्त नहीं किया है, नंबर एक मामा और नंबर दो श्रवण पुत्र। और ये जो परिदृश्य आप देख रहे हैं ये कोरोना के दो बरस के कालखंड में जिस प्रकार से रेल परिवहन बंद था, सड़क परिवहन बंद था, वायुयान परिवहन बंद था और इसके बीच में जब कोरोना का जो संक्रमण था और पूरी दुनिया रुकी पड़ी थी, थमी पड़ी थी, आज जब हम मंदसौर के रेलवे स्टेशन पर आए हैं तो सीधा हमारा जो यात्रियों का जो समूह है उसको हम विदा देने आए हैं वैष्णो देवी माता जी की यात्रा को लेकर। रतलाम से, जावरा से, मंदसौर से और नीमच से ये निकलती हुई गाड़ी आगे पहुँचेगी, गंतव्य स्थान पर पहुँचेगी। एक सरकार वो थी जिसका नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से और नेता प्रतिपक्ष और PCC के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने किया था, वो श्रवण पत्र हो ही नहीं सकते क्योंकि उनको उस समय आइफा की चिंता हो रही थी, वो आइफा के आयोजन में लगे हुए थे। और तब जब उन्होंने मात्र पूरे कालखंड में 2018 से लेकर के 2019 में मात्र 28 गाड़ियां चली और 6 महीने में कुल 23 गाड़ियां चली, तो वो भी लोकल थी इलाहाबाद वगैरह में, लेकिन जो एक जो परिदृश्य है बहुत आनंद और उल्लास का अवसर है। कोरोना की भीषण त्रासदी के बाद आज सनातन संस्कृति, समाज, जीवन, तीर्थाटन, इसका आनंद पुनः प्रारंभ हुआ है। और माननीय शिवराज सिंह जी, मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीर्थ दर्शन योजना का पुनः शुभारंभ किया। आज मंदसौर से, नीमच से, संसदीय क्षेत्र से बड़ी संख्या में यात्री लोग जा रहे हैं।